Welcome to Civil Service IAS, your go-to YouTube channel for all things related to the Indian Administrative Service. भारत पिछले साल ही यूनाइटेड किंगडम को पछाड़कर दुनिया की फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है, जहां वो पूरी दुनिया में केवल यूएसए, चाइना, जापान और जर्मनी के पीछे है। वहीं वर्ल्ड बैंक की माने तो न केवल भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है, बल्कि आने वाले सालों में भी भारत तेजी से आगे बढ़ता रहेगा। ऐसा ही दावा S&P ग्लोबल रेटिंग्स की तरफ से भी किया जा रहा है। इंडिया की इसी कंसिस्टेंट इकोनॉमिक ग्रोथ को देखते हुए पीएम मोदी ने भी हाल ही में यूएस कांग्रेस में दावा किया कि वो दिन दूर नहीं जब भारत ग्लोबल लेवल पर थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। पीएम मोदी की इस बात पर IMF भी अपनी मोहर लगाता दिखाई देता है, जहां IMF के डेटा के अनुसार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अपनी करंट इकोनॉमिक ग्रोथ से 2027 तक इंडिया की GDP जापान और जर्मनी को पार कर देगी। ऐसे में इस बात में कोई शक नहीं कि ग्लोबल इकोनॉमी में इंडिया का स्टेटस हर गुजरते साल के साथ और ऊंचा होता जा रहा है। मगर यदि हम एक मिनट के लिए इंडियन इकोनॉमी की गोल्डन एज से हटकर इंडिया के इसी इकोनॉमिक स्टेटस को पर कैपिटा या प्रति व्यक्ति के टर्म्स में देखते हैं तो कहानी इससे बिल्कुल उलट नजर आती है। जहां 2023 में फॉर्मर RBI गवर्नर सी रंगराजन ने अपने एक लेक्चर में ये बताया कि पर कैपिटा इनकम के टर्म्स में भारत 197 कंट्रीज के बीच 142nd रैंक पर आता है, जिसकी गवाही IMF का ये पर कैपिटा इनकम मैप भी देता है। यहां तक कि 2021 के IMF के डेटा के अनुसार जहां ब्रिटेन को पीछे छोड़ने वाले भारत में एक इंडियन की एवरेज इनकम महज $2,283 थी, वहीं एक ब्रिटिशर की एवरेज इनकम $47,203 थी, यानी तकरीबन 20 गुना ज्यादा। अब ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा विरोधाभास है कि जब भारत दुनिया का पांचवा सबसे अमीर देश है तो उसकी जनता गरीब कैसे। तो चलिए आज हम इसी विषय पर चर्चा करते हैं। इस वीडियो की इम्पोर्टेंस UPSC प्रीलिम्स और मेंस के GS पेपर 3 के इंडियन इकोनॉमी सेक्शन के लिहाज से काफी इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, अगर हम आसान शब्दों में कहें तो एक कंट्री में पर्टिकुलर पीरियड में प्रोड्यूस होने वाले सारे गुड्स और सर्विसेज की टोटल वैल्यू को उस कंट्री का GDP या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है। यानी एक साल की ड्यूरेशन में देश के अंदर जो भी चीजें प्रोड्यूस की जाएंगी, चाहे वो वीट हो या कार, या जो भी सर्विसेज दी जाएंगी जिन्हें प्रोवाइड करने के बदले में कोई मनी ट्रांजेक्शन किया जाए, उन सभी की टोटल वैल्यू हमारे देश की GDP या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाएगी। और उसे जब देश की पॉपुलेशन से डिवाइड किया जाएगा तो वो उस देश की पर कैपिटा GDP देगी। यानी एक कंट्री की पर कैपिटा GDP कैलकुलेट करने के लिए उसकी टोटल GDP को पॉपुलेशन से डिवाइड किया जाता है। ऐसे में इसी साल बजट मंथ में करंट गवर्नमेंट की ओर से डेटा रिलीज करके ये कहा गया कि मोदी गवर्नमेंट के 9 सालों में देश की पर कैपिटा इनकम 2014 के लेवल से बढ़कर लगभग डबल हो गई है। जबकि इसके जवाब में ऑपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट करके डेटा के आधार पर ही ये बात सामने रखी कि इसके पहले UPA गवर्नमेंट के दौर में पर कैपिटा इनकम 259% बढ़ गई थी। यदि हम इन दोनों आंकड़ों को सही माने तो 2004 से अब तक एक भारतीय की पर कैपिटा इनकम तो कई गुना बढ़ जानी चाहिए थी। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर हम पर कैपिटा इनकम रैंकिंग में इतने पीछे क्यों खड़े हैं? इसका जवाब हमें इन दोनों डेटा में ही देखने को मिलता है, जहां गवर्नमेंट और ऑपोजिशन द्वारा प्रेजेंटेड इस डेटा में एक फंडामेंटल मिस्टेक उजागर होती है कि कैसे इन दोनों डेटास को प्रेजेंट करते समय इन्फ्लेशन को काउंटर बैलेंस किया ही नहीं गया। यानी पर कैपिटा इनकम को कंपेयर करने के लिए किसी बेस ईयर पर कैलकुलेट करने के बजाय करंट प्राइसेस से कंपेयर किया जा रहा है। इसे समझने के लिए हम पर कैपिटा इनकम एट करंट प्राइस और पर कैपिटा इनकम एट रियल प्राइस के डिफरेंस को समझना होगा। मान लीजिए कि 2004 में आपकी सालाना आय 40,000 रुपए थी, जिसमें से उस वक्त आपका घर खर्च 30,000 में पूरा हो जाता था। वहीं अब अगर 2023 में आपकी ईयरली इनकम बढ़कर 4 लाख हो गई है और बढ़े हुए इन्फ्लेशन या महंगाई में आपका घर खर्च बढ़कर 3 लाख हो गया है, तो प्रोपोर्शनली बीते 19 सालों में आपकी इनकम में इंक्रीमेंट 10 गुना नहीं हुआ है, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से मार्केट प्राइसेस भी हाई हुए हैं, जिसकी वजह से भले ही एब्सोल्यूट टर्म्स में आपकी इनकम 10 गुना बढ़ी दिखाई देती हो, लेकिन बढ़े हुए मार्केट प्राइसेस में उसकी परचेजिंग पावर अभी भी कम ही है। जब गवर्नमेंट द्वारा प्रेजेंटेड इस डेटा को द प्रिंट ने इन्फ्लेशन से इक्वेट करके बेस प्राइस पर कैलकुलेट किया तो ये पाया गया कि जहां UPA गवर्नमेंट के 2004 से 2014 के दौरान देश में पर कैपिटा इनकम लगभग 1.5 गुना बढ़ी, तो वहीं NDA के 9 सालों के रेजिम में 2014 से 2023 तक ये 1.4 टाइम्स बढ़ी, जबकि इसमें कोविड के कैटास्ट्रोफिक ईयर्स भी शामिल थे।
इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इतने सालों में देश में पर कैपिटा ग्रोथ हुई तो है, लेकिन वो काफी कम है, क्योंकि जहां एक और इतने समय में इंडियन जीडीपी रैंक दर रैंक बढ़कर फिफ्थ पोजीशन पर पहुंच चुकी है, तो वहीं दूसरी ओर पर कैपिटा इनकम के मामले में भारत अभी भी लो इनकम कंट्री की कैटेगरी में आता है। यही नहीं, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के अकॉर्डिंग यदि हम दुनिया के 20 इमर्जिंग मार्केट्स को उनके पर कैपिटा जीडीपी के मामले में रैंक करें तो यहां भी भारत बॉटम पर नजर आता है। और इकोनॉमीज के बीच भारत की यह स्थिति साल 2000 से ऐसी ही बनी हुई है, जबकि इसके उलट चाइना जो 2000 में परचेजिंग पावर पैरिटी के अनुसार 2886 पर कैपिटा जीडीपी 17th रैंक पर था, वो 2023 में $23,038 की पर कैपिटा जीडीपी के साथ 9th रैंक पर आ चुका है। दरअसल दुनिया के अलग अलग देशों में इन्फ्लेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का लेवल अलग है। यही कारण है कि जो कोका कोला की बॉटल भारत में 20 रुपए की है, वही यूएसए में शायद 40 की मिलती हो। यही कारण है कि दुनिया के दो देशों के बीच मनी की परचेजिंग पावर अलग अलग होती है। ऐसे में अलग अलग कंट्रीज की इकोनॉमी को ठीक तरह से कंपेयर करने के लिए उनकी परचेजिंग पावर को पैरिटी में लाया जाता है, और इसी के आधार पर कैलकुलेट की गई जीडीपी को परचेजिंग पावर पैरिटी कहा जाता है, ताकि हम एक ठीक ठीक कंपैरिजन समझ सकें। ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि क्या वाकई भारतीय अमीर हो पा रहे हैं, या उनके अमीर होने की गति कम है, या फिर बात कुछ और है। दोस्तों हाल ही में ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने एक रिपोर्ट रिलीज की जिसकी टाइटल था सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट द इंडियन स्टोरी। बहुत सी प्रीवियस रिपोर्ट्स और स्टोरीज की तरह ही इस बार भी इस रिपोर्ट में भारत के कॉन्टेक्स्ट में ये एनोमली रिप्रेजेंट की गई कि किस तरह हमें भारत में ही दो अलग अलग तरह के भारत देखने को मिलते हैं। जहां एक भारत में अमीरों के शीर्ष महल बने हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर दुनिया का सबसे बड़ा स्लम धारावी भी भारत में ही शामिल है। लेकिन यह अंतर केवल यहीं तक सीमित नहीं है। इस रिपोर्ट में ये बात एस्टैब्लिश की गई कि कैसे भारत के टॉप रिचेस्ट 1% की मुट्ठी में देश की 40% से ज्यादा वेल्थ बंद है। अब इस आंकड़े की गंभीरता को समझते हुए एक बार फिर जरा भारत की जीडीपी और उसकी पर कैपिटा इनकम की डेफिनेशन पर गौर करें, क्योंकि उसकी 99% पॉपुलेशन के हाथ में तो केवल उसकी 60% वेल्थ ही है। ऐसे में क्या ये पर कैपिटा इनकम का आंकड़ा सही है, या एक एवरेज भारतीय की स्थिति इससे भी ज्यादा दयनीय है। यही कारण है कि जहां एक ओर हमारे देश में दुनिया के सबसे ज्यादा 228.9 मिलियन पुअर लोग रहते हैं, तो वहीं दूसरी ओर 2020 से 2022 के बीच देश में बिलियनर्स की संख्या 102 से बढ़कर 166 हो गई है। जहां देश के टॉप 100 रिचेस्ट की कंबाइंड वेल्थ ₹54.12 लाख करोड़ का आंकड़ा छू चुकी है। इसलिए 2022 की वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया के सबसे अनइक्वल देशों के लिस्ट में सबसे आगे था। इसके अनुसार जहां देश की बॉटम 50% पॉपुलेशन ईयरली केवल 53,610 रुपीज ही अर्न कर पाती है, जबकि टॉप 10% रुपीज 11,66,520 ईयरली अर्न करती है, यानी लगभग 20 गुना ज्यादा। मगर ये कॉन्ट्रास्ट केवल अमीर और गरीब तक ही सीमित नहीं है। अगर हम भारत में रीजनल लेवल पर भी पर कैपिटा इनकम पर गौर करें, तो हम पाएंगे कि यहां भी हमें एक ड्रास्टिक कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। क्योंकि जहां एक और 2022-23 की स्थिति में कांस्टेंट प्राइसेस पर हरियाणा में देश में सबसे ज्यादा ₹1,81,961 पर कैपिटा इनकम देखने को मिलती है, तो वहीं दूसरी ओर अवेलेबल डेटा के अनुसार मध्य प्रदेश में ये केवल 65,000 है, जबकि 2021-22 के डेटा के अनुसार बिहार में पर कैपिटा इनकम लगभग 30,000 थी। इसी तरह अगर हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार इंडियन स्टेट्स को उनके परसेंटेज ऑफ पुअर पॉपुलेशन के आधार पर मैप पर ट्रेस करें, तो हम पाएंगे कि रेड से मार्क्ड एरियाज देश के पुअरेस्ट स्टेट्स को डिनोट करते हैं। ऐसे में हम देख सकते हैं कि देश में मौजूद यही इनकम डिस्पैरिटी देश को पीछे ढकेलने और रीजनल कॉन्ट्रास्ट पैदा करने का काम कर रही है। सिमिलरली NFHS 5 2019-21 रिपोर्ट के अनुसार जहां एक और रूरल पॉपुलेशन की 54% पॉपुलेशन पुअर ग्रुप्स में शामिल है, वहीं अर्बन एरियाज में केवल 10.4% पॉपुलेशन ही पुअर सेक्शन में शामिल है। यहां तक कि अर्बन एरियाज में भी खासतौर पर मेट्रो सिटीज में बाकी कंट्री की कंपैरिजन में इनकम काफी ज्यादा है। उदाहरण के लिए दिल्ली की एस्टिमेट पर कैपिटा इनकम 4.4 लाख है, जबकि गौतम बुद्ध नगर ₹5.41 लाख, मुंबई सिटी और सब अर्बन की ₹3.4 लाख और बेंगलुरु अर्बन की ₹6.2 लाख। इसी तरह हमें देश में अर्बन वर्सेज रूरल एरियाज और रिच अर्बन वर्सेज रिलेटिवली पुअर अर्बन एरियाज में भी इनकम को लेकर एक ड्रास्टिक कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है।
लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बात किसी की नजरों में नहीं आई, बल्कि भारत में बढ़ती इनइक्वालिटी के बारे में तो वर्षों से चर्चा हो रही है। यहाँ तक कि तत्कालीन एमपी और विपक्ष का मुख्य चेहरा माने जाने वाले राहुल गांधी ने लोकसभा में अपना भाषण देते हुए ये भी बात कही थी कि हमें अपने ही देश में अमीरों और गरीबों के लिए दो अलग अलग भारत देखने को मिलते हैं। सिमिलरली करंट बीजेपी गवर्नमेंट के कद्दावर नेता और स्टार परफॉर्मर मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी जी भी कुछ साल पहले ये बात पॉइंट आउट कर चुके हैं कि इंडिया इज अ रिच कंट्री बट विद पुअर पॉपुलेशन। तो अब ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि आखिर इस विरोधाभास को दूर कैसे किया जाए। दोस्तों इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स और एविडेंस बेस्ड स्टडीज अक्सर ये सजेस्ट करती हैं कि यदि किसी इकोनॉमी में इनइक्वालिटी को कम करना है तो गवर्नमेंट को पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और सोशल सेफ्टी पर इन्वेस्टमेंट करने की ओर ध्यान देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यदि गवर्नमेंट फ्री और हाई क्वालिटी पब्लिक सर्विसेज पर इन्वेस्ट करती है तो पुअरर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को इन पर आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर नहीं करना होगा। साथ ही एजुकेशन पर इन्वेस्टमेंट करने से पॉपुलेशन में इन जनरल एक हद तक लेवल प्लेइंग फील्ड डेवलप हो पाता है, जहां हर किसी को खुद को एजुकेट करने और फर्दर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज पाने का समान अवसर मिल जाता है। क्योंकि यदि ऐसा इफेक्टिवली किया जाएगा तो हर व्यक्ति बेटर स्किल सेट और सोशल सिक्योरिटी के साथ अपने दम पर अपने लिए एक नया भविष्य बना पाएगा। इसका एक डायरेक्ट एग्जाम्पल हमें नॉर्डिक कंट्रीज में देखने को मिलता है, जहां 5 नॉर्डिक कंट्रीज डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन दुनिया की सबसे इक्वल कंट्रीज में से एक है। इन कंट्रीज ने भी सोसाइटी में हाई लेवल्स ऑफ वेलफेयर और इक्वालिटी को अटेन करने के लिए सोशल सॉलिडेरिटी, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन और हायर स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन और हेल्थ केयर पे स्ट्रॉन्गली फोकस किया। इसका नतीजा अब हमारे सामने है। यही नहीं, सरकार को रीजनल डिस्पैरिटी को दूर करने के भी प्रयास करने की जरूरत है, जिससे देश में पर्टिकुलर पॉकेट्स में डेवलपमेंट करने के बजाय इंक्लूसिव डेवलपमेंट को प्रमोट किया जा सके, ताकि शिक्षा और रोजगार के अवसर हर ओर पैदा किए जा सके। बीते साल भारत विकास परिषद द्वारा ऑर्गेनाइज एक प्रोग्राम में नितिन गडकरी ने भी अपने पब्लिक एड्रेस में इसी नीट को अंडरलाइन किया था, जहां उनका कहना था कि भारत में इंक्लूसिव डेवलपमेंट लाने के लिए भारत को खास तौर पर अपने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर खास ध्यान देने की जरूरत है। दोस्तों एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट नीति आयोग द्वारा डिफाइंड देश भर के 100 से ज्यादा वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां हमें पुअर सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं। ऐसे में इन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ज्यादा प्रयासों को करने की भी जरूरत है, और इन प्रयासों को फंड करने के लिए वेरियस इकोनॉमिस्ट और सोशल साइंटिस्ट के साथ साथ ऑक्सफैम इंटरनेशनल की रिपोर्ट भी भारत की सुपर रिच कैटेगरी इंडिविजुअल्स पर हायर टैक्सेस इंप्लीमेंट करने की डिमांड करती है। साथ ही इकोनॉमिस्ट ये बात भी पॉइंट आउट करते हैं कि जीएसटी और दूसरे इनडायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू रिग्रेसिव टैक्स रजीम फॉलो करने के बजाय देश की वेल्दी इंडिविजुअल्स पर टैक्सेस लगाए जाने की जरूरत है। क्योंकि जहां एक ओर इनडायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू अमीर हो या गरीब सब पर टैक्सेस की मार एक समान बढ़ती है, वहीं पिन पॉइंटेड वेल्थ टैक्स लगाने से भारत अपने इनकम इनइक्वालिटी को कारगर तरीके से दूर कर पाएगा। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स इस वेल्थ टैक्स को भारत के अपकमिंग बिजनेस और स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए एक नेगेटिव इंडिकेटर के तौर पर देखते हैं। इसी कड़ी में ऑक्सफैम अपने रिपोर्ट में ये बात कहती है कि यदि अपने बिलियनियर्स पर केवल 2% टैक्स इंप्लीमेंट कर दें तो इससे देश में अगले 3 साल तक के मैल न्यूट्रिशन से लड़ने के लिए इनफ फंड इकट्ठा हो जाएगा। वहीं उन पर 1% वेल्थ टैक्स इंप्लीमेंट कर देने से गवर्नमेंट के नेशनल हेल्थ मिशन को अगले 1.5 साल तक के लिए फंड प्रोवाइड किया जा सकेगा। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि पॉवर्टी और इनकम डिस्पैरिटी की इस जंग को सरकार आगे कैसे और किस तरह जारी रखती है। By subscribing to our channel, you'll gain access to a wealth of engaging videos that aim to educate and inspire.